गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ लेसन है अपना चिड़िया चली चांद के देश। चिड़िया चली चांद के देश ये अपना लेसन है, कविता है जिसके कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहा है, देखो लेसन पढ़ते हैं। चिड़िया चली चांद के देश, नैने नैने पंख पसारे। चिड़िया चली चांद के देश, एक चिड़िया है वो कहाँ जा रही है, चांद पे जाना चाहती है। नए 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 पंख पसारे, चिड़िया के छोटे छोटे पंख होते हैं उनको फैलाते हुए वो कहाँ पे जाना चाह रही है, चांद पे जाना चाह रही है। इसका भावार्थ क्या होता है कि चिड़िया एक छोटी सी चिड़िया है, उसने अपना लक्ष्य क्या करा है कि चांद पे जाना है, मेरे को कहाँ जाना है, चांद पे जाना है। और अपने उन छोटे छोटे पंखों के सहारे मैं चांद पे जाना चाहती हूँ। वो मन में सोच रही है, चिड़िया सोच रही है कि मुझे मन के अंदर लक्ष्य बना के कि मुझे चांद पे जाना है, जो ये चांद मेरे से बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन मुझे अपने इन छोटे छोटे पंखों के सहारे उड़ते हुए मेरे को कहाँ जाना है, चांद पर जाना है। इसी प्रकार कवि कहता है मनुष्य को भी चिड़िया की भांति, जिस प्रकार चिड़िया ने अपना लक्ष्य चुना है, छोटा होते हुए भी अपन को लग रहा है कि चांद पर चिड़िया कैसे पहुंच जाएगी, लेकिन वो कह रही है नहीं, वो अपना एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे चांद पे जाना है और छोटे छोटे पंखों के सारे उड़ते हुए जाना है। तो इसी कविता के माध्यम से कवि मनुष्य को कह रहा है कि आपके अंदर भी, चाहे आप कितने भी छोटे हो, अगर आप छोटे से आयु में ही अपना लक्ष्य निर्धारित करके चलोगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा है। क्या अगर आप छोटे ही, अपन देखते हैं कि कभी कभी अपन देखते हैं कि अखबारों में भी अपन पढ़ते हैं कि एक 5 साल का बच्चा या 3 साल का बच्चे में भी टैलेंट दिखाई देता है। क्विज प्रतियोगिताएँ होती है, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े बच्चों को फेल, छोटे छोटे बच्चे को भी, छोटे छोटे बच्चे भी क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। अपन देखते हैं कि क्विज प्रतियोगिता में और सीट पे बैठने लगते हैं, लेकिन जबकि बड़े बच्चे नहीं बैठ पाते, बड़े बड़े आदमी नहीं बैठ पाते, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे, क्यों, उनमें वो लक्ष्य होता है, वो निर्धारित करके करते बचपन में ही वो हर काम सीख लेते हैं। कोटिले बच्चा है, उसको सब आता है, जीते नॉलेज। अभी एक दिन अखबार में भी आया था कि एक यूपी का बच्चा, 5th क्लास का पढ़ने वाला जो बच्चा है, वो 11th 12th की फिजिक्स को सोल्व कर रहा है। 5th क्लास का बच्चा, 3rd और 4th 5th क्लास का बच्चा, कौन सी 11th और 12th क्लास की फिजिक्स जो होती है उसके क्वेश्चन आंसर सोल्व कर रहा है। अब कहाँ 11th 12th और कहाँ 5th क्लास का बच्चा, क्यों, तो उसको पढ़ने में वो कह रहा है, मैं उसका जब अखबार में आया, न्यूज़पेपर में बताया, तो उसने क्या कहा कि मेरे को हमेशा ही पढ़ने की आदत है, मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे को ये नहीं होता है कि ये 11th क्लास का है तो मैं क्या करूँ, मेरे को पढ़ना है, 9th 10th 11th 12th तो पढ़ रहा था, अब पढ़ते पढ़ते उसको आ गया। ऐसे ही कभी चिड़िया के माध्यम से कहे, एक छोटी सी चिड़िया भी अपने लक्ष्य को मना के कह रही है कि मैं चांद पे जा रहा हूँ, तो आप तो मनुष्य हो, आप पे तो बुद्धि है, आप तो विवेकशील हो, तो आपको भी छोटी सी आयु में ही अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलना चाहिए कि मैं आपको आगे जाके क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग बनना है, क्या करना है। अगर आप में लक्ष्य होगा तो आप भी उस लक्ष्य को, अगर शुरू में आपको वो लक्ष्य क्या लगेगा, कठिन लगेगा, हार्ड लगेगा, क्यों, लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चिड़िया चली चांद के देश, नैने नैने पंख पसारे, अर्थात चिड़िया भी, एक छोटी सी चिड़िया भी चांद की तरफ जाना चाह रही है, चांद के, इस चांद जो है बहुत दूर है यहाँ से, पृथ्वी से, वहाँ पे अपने छोटे छोटे पंखों के साथ जाना चाहती है, साथ में कोई संगी साथी, निपट अकेली बिना सारे, उसके साथ कोई भी नहीं है, सगी साथी उसके सगी, उसके दोस्त भाई बहन कोई भी नहीं है। अर्थात अपने पास, अपने पर भी ये उदाहरण लागू होता है कि अगर मैं किसी लक्ष्य को साथ कर लूँगा तो मैं ये नहीं हूँ कि मेरे साथ तो कोई मेरा दोस्त नहीं आया तो पढ़ने, तो मैं कैसे पढ़ूँ, वो तो घर वाले, वो तो पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल, वो तो खेलता ही रहता है, आप मेरे को क्यों कहते हो पढ़ने के लिए,
तुमको तो कोई नहीं कहता, उसके पास तो साइकिल है, वो घर से आना जाना भी कार से करता है, उसकी तो बहुत सुख सुविधाओं से वो पढ़ता है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये भी मन में कभी भी भाव नहीं आना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, आपके पास क्या है, बुद्धि है, विवेक है। आप उस विवेक से अगर आप पास में एक या दो घंटे बैठोगे, पढ़ोगे, आज 1 घंटा पढ़ाई करा, कल 1 घंटा और पढ़ाई करा, तो धीरे धीरे आपको आदत, आधा 15 मिनट और बढ़ाई, फिर आपने आधा घंटा बढ़ाया, फिर 2 घंटा बढ़ाया, टीवी आपको देखना आपने कम करा, खेलना आपने बंद करा, अपने दोस्त है उनके घर पे जाना आपने कम करा, तो साथ में कोई संगी साथी, कि इस लक्ष्य में चीड़िया ने कहा मेरे साथ कोई भी सगी साथी, मेरे सगे संबंधी कोई भी नहीं है, निपट अकेली बिना सारे, मैं किसी का भी सहारा लेना नहीं चाहती, मैं किसी को भी अपने साथ नहीं ले जा रही हूँ, मैं तो अकेली ही चाल पर जा रही हूँ। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी किसी का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो उस लक्ष्य पे वो जरूर जाएगा, चाहे उसके सामने कितने भी बाधाएं, उसके सगे साथी, कोई भी मिलने वाले रिश्तेदार, चाहे कोई भी हो, दोस्त हो, कोई भी अगर वो उसका साथ नहीं देते हैं, लेकिन अगर उसने मन में लक्ष्य कर लिया तो पीछे उसको मुड़कर नहीं देखना चाहिए कि मेरे कोई साथ में नहीं है, मैं तो अकेला हूँ, अकेला मैं क्या कर पाऊँगा। नहीं, अपने विवेक से सोचते हुए, अपने दिमाग से सोचते हुए, अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। चिड़िया चली चांद के देश, नन्हे नन्हे पंख पसारे। कवि कह रहा है जिस प्रकार चिड़िया चांद के देश की ओर जा रही है अपने छोटे छोटे पंख को फैलाते हुए, उसी प्रकार आपको भी अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऊपर को वह उठती जाए, बड़ी मौज से गाना जाए। अब वह ऊपर की ओर उठती जा रही है और बड़ी मौज से, आनंद से गाना गा रही है, उसको कोई भी फिक्र नहीं है, वो अपने छोटे छोटे पंख के साथ ऊपर उठती हुई, गाना गाती हुई ऊपर जा रही है। उसी प्रकार आप भी अपने लक्ष्य को मौज से, आनंद से पूरा करना चाहिए, गाना गाते हुए, दिमाग में ये नहीं आपको टेंशन लेनी चाहिए। यहाँ पे यही कवि कह रहा है कि जिस प्रकार चिड़िया अपने आप ऊपर उठती हुई बड़े मौज से गाना गाती हुई जा रही है, उसी प्रकार मनुष्य को भी जिसमें वो जो काम कर रहा है, जो कार्य उसने लक्ष्य निर्धारित किया है, उसमें किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना चाहिए। आराम से उसको धीरे धीरे, नहीं ये अब मैं क्या करूँ, मेरे से तो ये होगा ही नहीं, मेरे से तो इतना पढ़ा ही नहीं जाता, मैं क्या करूँ, मैं तो समझ में भी नहीं आता, सर अच्छे नहीं पढ़ाते, या स्कूल अच्छे नहीं है, अगर सब स्कूल फर्नीचर सब वही होता है, सब टीचर अच्छे होते हैं, मन का है, आपने मन में वो फालतू के फितूर पाल रखे हैं, उनको दूर करो, उनको सबको अगर दूर कर लोगे तो आपको लेसन भी समझ में आ जाएगा कि कवि यहाँ पे क्या कह रहा है, और आप अपना लक्ष्य भी निर्धारित कर सकोगे। जिस प्रकार चिड़िया है वो अकेली ही चांद पे जा रही है गाना गाती हुई बड़े मौज से, उसको कोई टेंशन नहीं कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, मेरे को वहाँ क्या है, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, मेरा कौन ध्यान रखेगा, लेकिन उसके साथ तो कोई नहीं, फिर भी वो आप क्या है, बड़ी मौज से चांद पे जा रही है गाना गाती हुई, अपने नन्हे नन्हे पंख खिलाती, अपना ऊंचा लक्ष्य बनाए। उसने अपना लक्ष्य ही ऊंचा बनाया है, अपने जो छोटे छोटे उसके पंख है उनको हिलाते हुए वो अपने लक्ष्य की ओर जा रही है। उसका लक्ष्य क्या है, बहुत ऊंचा है, उसने अपना सपना बहुत ऊंचा रखा है, उसने छोटा सपना नहीं लिया है, उसने क्या है, बहुत बड़ा सपना देखा। कौन सा सपना देखा, चांद पे जाने का। इसी प्रकार मनुष्य को भी छोटे सपने नहीं देखने चाहिए, बड़ा सपना देखना चाहिए। अगर आप बड़ा सपना सोचोगे तो ये छोटे सपने तो अपने आप पूरे होते चले जाएंगे बड़े सपने के सामने। तो हमें अपना लक्ष्य हमेशा कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए, अपना लक्ष्य हमेशा अपने से ज्यादा रखना चाहिए, ऊंचा रखना चाहिए। चिड़िया छोटी है तो क्या है, आखिर क्यों वह हिम्मत आ रही। चिड़िया कह रही है मैं छोटी हुई तो क्या हुई, मुझे हिम्मत नहीं आ रही है, छोटी हुई तो क्या हुई, आखिर मेरे में हिम्मत तो है, मैंने हिम्मत तो दिखाई है ऊपर जाने की चांद पर। तो इसी प्रकार मनुष्य को भी हिम्मत दिखानी चाहिए, हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे पहलवान के पहलवान को भी, एक चींटी हाथी को भी हरा देती है, हराती नहीं, हराती, हाथी बहुत बड़ा बलवान होता है, लेकिन चींटी छोटी सी होती है, वो भी हाथी को मात दे देती है। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, घबराना, किसी भी परिस्थिति, कोई सी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाती है
उन परिस्थितियों का सामना करना आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। यही बात कवि इस लेसन में बता रहा है। आया समझ में? इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो अपन मैं आपको बताऊंगा। कुछ ये देख के सभी के सभी जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको करने हैं। ठीक है, धन्यवाद।